ऑयल के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ वो सब्जी की ब्यूटी बढ़ाता है जो हमारी आँखों को बहुत सुंदर लगती है, उसकी चमक बढ़ाता है, उसका स्वाद नहीं बढ़ाता। इसलिए हम कभी कभी बिना ऑयल के भी सब्जी बनाकर देखें, लेकिन बनाएंगे कुछ इन ट्रिक्स के साथ जिससे वो सब्जी उबली उबली ना लगे। गर्मियों की सीजन में मेहमानों का आना जाना रहता है उनके साथ, या हम कभी बाहर चले जाते हैं, बहुत सारा बाहर का खाना हो जाता है। ऐसे में हम अपने बॉडी को कैसे ठीक करें? आज मैं 7 दिन की ऐसी थाली लाई हूँ जिसमें 0% ऑयल रहेगा, मतलब सब्जियाँ जो ऑयल के बिना बना ही नहीं सकते आज वो 0% ऑयल में बनेंगी। और मेरा यकीन कीजिए, ऑयल के बिना भी सब्जियाँ बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। तो अब सबसे पहले हमने 1 कटोरी छोले ओवरनाइट सोक कर लिए थे जो अच्छे से भीग चुके हैं, उसे साफ पानी में बदल दिया है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे इन छोलों को आप बनाएंगे तो आज के बाद आपको लगेगा कि हम बेवजह इतना सारा ऑयल डालते थे। तो चलिए, अब छोले को मैंने कुकर में डाल दिया। सबसे पहला इंग्रेडिएंट डाल दीजिए उसका स्वाद अनुसार नमक। 1 प्याज को बारीक कट करके डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, सिर्फ 1 हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 करी लहसुन ग्रेट की हुई 1 इंच का टुकड़ा। अदरक है उसे भी मैंने ग्रेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है। अब ध्यान से समझिए क्यों ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में छोटे छोटे पीस टमाटर के बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, तो टमाटर को ग्रेट कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ओवर पानी नहीं डालना था, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बस उतना ही पानी डाल दिया। अब आप इसको 2 विसल लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने दीजिए। चलिए, छोले के साथ बनाने वाली हूँ मैं फटाफट वाला एक रायता, जिसके लिए मैंने दही को फेंट लिया है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा नमक जो स्वाद अनुसार होता है वही डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा पानी डालिए, क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा है, पतला दही है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आज हम ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं, तो आप इतना अच्छे से बनाइए कि सभी कहें कि हाँ, महीने में कम से कम 8 दिन तो हमें इस टाइप का ज़रूर खाना खाना चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी कुटी हुई काली मिर्चें, हरा धनिया। अब मेरे पास तो अनार था तो मैंने अनार का रायता बनाया। आपके पास जो भी फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, उसका आप रायता बना सकते हो। इसको फ्रिज में रख देते हैं। मैंने 1/4 कटोरी पानी लिया है, उसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, स्ट्रांग है इसलिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच छोले मसाला जो कि मैं घर में बनाती हूँ। दूसरी बात, मिर्ची हमेशा कम रखिए इस खाने में, क्योंकि जो 0% ऑयल होता है तो ऑयल ना डालें, इसकी वजह से वो मिर्च ना ज़्यादा लगने लगते हैं। तो जितना आप खाते हो मिर्च, उससे क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए मिर्च की, बाकी सारे मसाले वही डालिए, बस मिर्च थोड़ा कम करिए तो आपको वो बराबर खाना बैलेंस होके लगेगा। छोले के साथ आज बनाने वाली हूँ टिक्की। टिक्की जो कि हम बिना ऑयल के बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल लिए हैं क्योंकि हम बिना ऑयल के बनाने वाले हैं। आलूओं में मैं डाल रही हूँ थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। इस सारे आलू को हम मैश कर देते हैं। आप इन सब्जियों में प्याज ना डालें तब भी बन जाएंगी, प्याज डाल रहे हो तब भी बहुत बढ़िया बनेंगी। आपको तो ये यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में इतने सब लोग खुश हैं और आप भी जब बनाओगे तो सभी आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। क्योंकि कभी कभी की बात और होती है, हम बिना ऑयल की कोई सब्जी बना लेते हैं वो भी उबली उबली लगती है, लेकिन ये सब्जियाँ आपको उबली हुई लगेंगी भी नहीं, और छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करोगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। पूरा हफ्ता आप बिना ऑयल के खाना खाओगे और सेहतमंद रहोगे। ये टिक्कियां मैंने बना ली हैं, 4 टिक्कियां बन गई हैं। हम 2 जनों का खाना बना रहे हैं, उस हिसाब से मैं 4 टिक्की बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। यहाँ मैंने तवा रख दिया है, नॉनस्टिक तवा है जिस पर मैंने स्लो गैस पर इन टिक्कियों को रख दिया है। कोई ब्रश से मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, धीरे धीरे, बस जल्दी जल्दी मत पलटाइए, आराम से पकने दीजिए उसे। ये देखिए गोल्डन कलर आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई जैसी नहीं चाहिए, पर जितना अच्छा गोल्डन कलर आ जाए बस काफ़ी है। ये देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सिक रही हैं, कोई ऑयल नहीं लगाया है, आपके सामने ही बन रहा है,
मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आपको सारा दिखेगा कि कोई एक बूंद ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, कहीं मैंने ग्रीस नहीं किया है कुछ भी। छोले को खोल के देख लेते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। छोले गल गए हैं कि नहीं, ये हमें चेक जरूर करना है। छोले बहुत ही बढ़िया गल चुके हैं, गैस ऑन कर देते हैं और अब हम जो मसाला जो मैं बना चुकी हूँ वो इसके अंदर डाल देती हूँ। डालने के बाद, मिक्स करने के बाद एक विसिल लगा लीजिए। विसिल लगाने से होगा ये जो टमाटर प्याज सारे छोलों के अंदर मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि छोले कितने बढ़िया बन गए। वापस से जब कुकर को खोलोगे हैरान हो जाओगे कि इतने बढ़िया छोले बने हैं। ऊपर से बस धनिया की गार्निश कर दीजिए। अब लगा लीजिए थाली, और यहाँ पर थाली में मैंने सैलेड रख दिया है, छोले रख दिए, और मैंने यहाँ पर रायता रख दिया है, टिक्की रख दी। अब यहाँ पर मैंने आज ज्वार की रोटियाँ बनाई हैं। ज्वार की रोटी कैसे बनाई जाती हैं, अगर आज आप नए हो तो मेरी पिछली वाली थालियाँ देखिए, उसमें मैंने रोटियाँ ही रोटियाँ सारी रेसिपी दी हैं। आज की थालियों में मैं सब्जियाँ ही सब्जियों की रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे की थाली हो गई। कौन कहेगा इस थाली को देख कर कि हमने बिना ऑयल का खाना बनाया है। तो चलिए अब बनाते हैं एक और थाली। आज के खाने में मेरी मिक्स दाल बननी है, मिक्स वेज बननी है और मल्टी ग्रेन आटे की रोटी बननी है। तो मिक्स दाल मैंने एक कटोरी जैसी मुझे चाहिए होती है घर में, मैंने सारी चार दालें मिक्स की हैं, उड़द दाल, मूंग दाल छिलके वाली, चना दाल और मसूर की दाल। इनको भिगा के रख दिया था, इसका पानी हटा दिया है और यहाँ मैं सादा कुकर ले रही हूँ जो कि बिल्कुल खाली कुकर है, जिसमें कोई ऑयल नहीं है। उसमें मैंने जीरे के कुछ दाने डाल दिए हैं। यहाँ मैंने मिक्सर के जार में दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए हैं, एक इंच का टुकड़ा अदरक लिया है और चार से पांच कली लहसुन की ली हैं, जिसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अब ये छोटी सी ट्रिक है, जीरा नॉर्मल कुकर में भुनता रहा, थोड़ा लाल होता रहा बिना ऑयल के। अब हम इसमें टमाटर वाला सारा मिश्रण डाल देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर का जो कच्चापन आता है, उबली उबली दाल लगती है, वैसी नहीं लगेगी। इसको आप पका लीजिए, जिसमें लहसुन वगैरह भी है, सारी चीज़ें पक जाएं। आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते थे, पर मेरे यहाँ जो मिक्स दाल बनती है उसमें प्याज नहीं डलता है। टमाटर का काफ़ी हद तक पानी जब सूख जाए तब इसमें मसाले डालिए। जैसे इसमें मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर डाला, बहुत थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और स्वाद अनुसार पूरा हमें नमक डालना है दाल का। इन सारे मसालों के साथ आप टमाटर को भून लीजिए, इससे आपको दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ सारी धुली हुई दालें। दाल में हम पानी डाल देंगे, जैसी आपको कंसिस्टेंसी पसंद है। वैसे मैंने एक कटोरी दाल में मैंने दो से ढाई कटोरी पानी डाल दिया है। बहुत थोड़ी सी मैं इसमें कैरी भी डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग, मतलब एक पिंच हींग था जिसे मैंने पानी में घोल के रख दिया था, वो इसमें डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, मुझे कम लग रहा था। आप क्या करेंगे, इसे दो तीन सीटी लगाकर आप इसे स्लो गैस पर पका लेंगे तो दाल का तो टेंशन खत्म, कोई तड़का वगैरह लगाना नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक और कुकर ले रही हूँ जिसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए दो से तीन, अदरक ग्रेट किया हुआ डाला है। ये बिना प्याज बिना लहसुन के सब्जी बना रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। टमाटर में नमक डालने से क्या होगा, टमाटर अपना पानी रिलीज करेगा, नीचे हमारी सब्जी जलेगी नहीं। ये छोटी सी ट्रिक है, जरूर फॉलो करना। सारी सब्जियों में मैंने लिया क्या है, जैसे बैंगन, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, मटर, गाजर और आलू, जो भी आपके पास मिक्स वेज हो वो आप सारी डाल सकते हो। अब जो सारी सब्जियां हैं हमने धो के रखी हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर मैंने आलू बैंगन भी था तो इसलिए पानी डालकर रखा था, जिसकी वजह से ये भी होगा कि ये सब्जियां जलेंगी नहीं। अब बाकी के मसाले डालिए, जैसे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, मुझे कम लग रहा था सब्जियों के अकॉर्डिंग तो नमक डाल दिया, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया और इसे आप थोड़ा सा चला लीजिए। दाल में भी एक तरफ विसिल लगी रही है और सब्जियों को हमें थोड़ा सा और पकाना है, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, सब्जियां अपना पानी रिलीज करें तो पानी पानी वाली सब्जी ना बने। थोड़ा सा फुल गैस पे पका लीजिए। अब देख रहे हैं आप नीचे कैसे पानी पानी आ गया ना सारी सब्जियों का, टमाटर और सारी सब्जियों का पानी हो गया है। तो कोई डर वाली बात नहीं है, आपकी सब्जी बिल्कुल नहीं जलेगी। बस आपने अच्छे से भून लिया, अब आप प्रेशर कुकर से विसिल लगा लीजिए। एक से दो सीटी में ये सब्जी आपकी कुक हो जाएगी।
एक तो ये सब्जियाँ आसानी से बन जाती हैं, दूसरा ये बहुत हेल्दी होती हैं, टेस्टी भी बहुत होती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भी उबली उबली नहीं लगती हैं। आज हम सैलेड बना रहे हैं मिक्स वेज का ही, तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया सबको बारीक कट कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, चाट मसाला। अब हम दोनों कुकर खोल के देखेंगे, पहले दाल को देख लेते हैं। ये देखिए दाल बहुत ही परफेक्ट बन गई है। मैं हमेशा दाल को मथनी से पीसती हूँ, तो इस तरीके से मैं पीस रही हूँ। आप चाहें तो हैंडी से पीसिए या ऐसे ही खा लीजिए, आपकी मर्जी, पर मैं इस तरीके से ज़रूर पीसती हूँ। बनाइए आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप बनाते हो, जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बस तरीका यही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, वो कुकर भी देखना है जिसमें हमने मिक्स वेज बनाई है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जली है ये सब्जी, और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट भी हो गई, हल्का सा पानी रह गया है। बस आलू सॉफ्ट हुआ है, मतलब सारी सब्जियां ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए हल्का हल्का पानी है नीचे, आप चाहें तो और भी सुखा सकते हो। अब दोनों सब्जियों में हरे धनिए की गार्निश कर दीजिए। हो गई आपकी सब्जियां। चलिए थाली लगा लेते हैं। इसमें मैंने दाल डाल दी है और इसमें मिक्स वेज रख दिया है, साथ में मैंने दही रख दिया है, मिक्स वेज सैलेड भी बनाया है। और यहाँ पर मैं ऊपर से मैं थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ इसमें पीनट्स की। आज बिना घी की सादी रोटी बनाइए, जो गेहूं की रोटी होती है। रोटियाँ भी मैं बिल्कुल बिना घी के बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। लीजिए थाली बहुत ही बढ़िया है, इसे खा कर इंजॉय कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट थाली के लिए। आज की थाली तो और ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, जो बनने वाला है आपको बेहद पसंद आने वाला है। चलिए एक गड्डी मैंने पालक की अच्छे से वॉश कर ली है और उसे हम बारीक कट कर लेते हैं। बारीक कट कर ली है मैंने पालक, और अब हम एक कढ़ाई लेते हैं जिसमें मैंने 2 से 3 टमाटर बारीक कट कर लिए थे, कढ़ाई में डाल दिए बिना तेल के। इसमें थोड़ी लहसुन अदरक ग्रेट कर दिए, 2 हरी मिर्च डाल दिए। अब टमाटर के साथ पानी रिलीज होगा तब जब हम इसमें नमक डालेंगे, तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। ये सब में मैं टाइम नहीं खराब करना चाहती, मैं चाह रही हूँ मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, बस डालने क्या है वही बता रही हूँ। अब इसको टमाटर को थोड़ा मैशी हो जाने दीजिए, जिससे वो जलने का डर खत्म हो जाए। अब इसमें पूरी कटी हुई पालक डाल दीजिए। पालक डालने के बाद इसे आधा ढकिए, क्योंकि हमें पालक का कलर ख़राब नहीं करना है, बस पकाना है। कच्ची कच्ची पालक का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बिना तेल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। सारा मिक्स करने के बाद आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। एक और बात मैं आपसे कहना भूल गई, कभी कभी तो हम जीरा नीचे सेक लेते हैं, कभी नहीं सेक पाते, तो जीरा पाउडर जो भुना हुआ होता है हमारे घर में वो डाल दिया कीजिए, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आज हमने सब्जी में जीरा नहीं ऐड किया। यहाँ मैंने पनीर लिया है, पनीर के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, क्योंकि आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं और बिना ऑयल का बनाने जा रहे हैं। पालक पनीर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा लोगों के लिए कैसे बनाते हैं वो भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। पालक पनीर नॉर्मल कैसे बनाया जाता है वो भी रेसिपी दे चुकी हूँ। लहसुनी पालक कैसे बनाया जाता है वो भी मैं दे चुकी हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी रेसिपीज़ को देखा कीजिए, मनपसंद रेसिपी को बना सकते हो। तो पनीर को तो कट करके मैंने एक तरफ रख दिया है, अब बारी आती है इस पालक को चेक करने की। पालक अच्छे से पक चुकी है, जिसमें लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ है, कच्चेपन का बिल्कुल फ्लेवर नहीं आएगा, सारा पक चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, जिसमें मैंने 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाला है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी करी लीव्स डाल दी है, थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। तो इसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्ची। सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी डो बना लीजिए, जैसे हम पकौड़े का डो बनाते हैं। कोई तेल नहीं डालना, बस 1 पिंच सोडा जरूर डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ना, ये अंदर से भी मुलायम और सॉफ्ट बने रहे। अब आपको क्या लग रहा है, इसके पकौड़े बन रहे हैं? यस, पकौड़े जैसा टेस्ट जरूर आएगा। मैं पानी में भी पकौड़े नहीं तलूंगी, मुझे मज़ा नहीं आता है पानी वाले पकौड़ों से, तो मैं तो आपको ऐसे बना के दिखा दूंगी कि आपको बहुत आश्चर्य होगा पकौड़े बनाने का।
आज के पकौड़े जब आप देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है नॉनस्टिक, उसमें चम्मच से छोटे छोटे पीसेस डालती चली जा रही हूँ। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मेरी मम्मी सासू माँ कभी कभी ऐसी रेसिपी बनवाती थी, हालांकि बिना तेल के नहीं बनवाती थी, पर ये बिना तेल की बन सकती है, इसलिए मेरा मन किया कि ये बना लेते हैं। मैंने छोटी छोटी टिक्कियों को इस तरीके से डाल दिया है। अब आप इसे ढक दीजिए स्लो गैस पर, गैस फुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी की कुछ बूंदें डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ना, स्टीम लगेगी, पकौड़े आपके गीले नहीं होंगे, लेकिन स्टीम लगने से क्या है, वो कच्चापन खत्म हो जाएगा बेसन का। और एक तरफ मैं क्या कर रही हूँ, दही को फेंट लेती हूँ। आज रायता नहीं बना रही हूँ, आज बहुत ही अमेजिंग डिश बनेगी, मैंने बताया ना आपको। बस इस दही में मुझे थोड़ा काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ी कुटी हुई मिर्ची डालनी है। इसको एक तरफ रख देते हैं और अब ढक्कन खोल के इन पकौड़ों को देख लेते हैं। ये देखिए, ये पकौड़े बहुत अच्छे से स्टीम लग गए हैं, और हम इसे स्टीमर में भी बना सकते थे, जैसे कि हम इडली बनाते हैं, और हम इसे अप्पे मोल्ड में भी बना सकते थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि हो सकता कभी इडली मेकर ना हो, अप्पे मेकर ना हो, तो पैन में, तवे में भी ये सब बनाए जा सकते हैं। इन टिक्की नुमा मैंने पकौड़ों को पलट दिया है, वापस से ढक कर मैंने इसे स्लो गैस पर फिर से रख दिया है। और बीच में आप दबाते भी जाइए, जिससे वो थोड़े से फ्लैट से हो जाएं टिक्कियाँ। थोड़ी सी मेरी जल गई हैं, इधर ध्यान थोड़ा कम गया, पर कोई बात नहीं, टेस्टी बहुत लगेंगी। आपने देखा ना, बिना तेल के कितने बढ़िया बने हैं। बस अब गैस बंद कर देते हैं। अब हमें वो जो पालक को देखना है, जो पालक हमारी ठंडी हो चुकी है, उसे मिक्सी में पीसना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, आधा कप करीब धनिया डाल देते हैं बारीक कटा हुआ, और दो टुकड़े हम बर्फ डाल देते हैं, जिससे क्या पालक का कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब पालक को पीस लीजिए। अब इसे पूरा कढ़ाई में डाल दीजिए, पक जाए तब आप पनीर के टुकड़े डाल दीजिए। अब इसमें पूरा पनीर डालकर मिक्स कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा मैं गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी मुझे लाल मिर्चें कम लग रही थी, तो लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है, वो डाल दिया है। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैं कसूरी मेथी को सेक कर इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसे पकने देती हूँ। अब जो ये टिक्कियाँ ठंडी हो गई ना, इसे हम दही में डिप करेंगे। एक तरीके से दही पकोड़े की सब्जी है, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। आप इसी के साथ ही नमक मिर्ची वाली रोटी खा सकते थे, मतलब बहुत अमेजिंग लगेगी, आप ज़रूर बनाइए। ऊपर से गार्निश कर दीजिए धनिए की। अभी तो मैं तेल घी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर मम्मी इसमें तड़का लगवा देती थी थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता था। एक और बात, मैंने जो भी आपके रेसिपीज बनाई हैं आपके लिए, तो वैसे तो आप 0% ऑयल में ही बना कर देख ही रहे हो। इन केस आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं, हम क्यों खाएं 0% ऑयल में, तो आप बहुत कम ऑयल का तड़का लगा सकते हो ऊपर आप सब्जियों में, पर वैसे ज़रूरत है नहीं। आप एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिए, बहुत पसंद आएंगे आपको इस टाइप की सब्जियाँ। तो देखिए, हम थाली लगाने जा रहे हैं। पालक पनीर हमारा तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। साथ में हमारी दही पकौड़े की सब्जी है, आज रागी की रोटियाँ हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सैलेड रख दिया है। चलिए, कैसी लग रही है थाली लगने वाली है, खाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। 3 दिन हमारे बिना ऑयल के चले हैं, अब चलते हैं 4th दिन, क्या खाने वाले हैं हम। अभी तक आपको लग रहा होगा कि दाल चावल तो एक दिन भी नहीं बने, आज बारी आई है दाल चावल की। दाल तो वैसे एक दिन हम बना चुके हैं, मिक्स दाल, उस दिन हमने रोटी यूज़ की थी, पर आज हम नॉर्मल अरहर की दाल बना रहे हैं। अरहर की दाल बनाना है तो उसे भी मैंने भिगा के रखा है, और चावल भी भिगा के रखे हैं। यहाँ भी मैंने कुकर में बिना ऑयल के जीरे को थोड़ा सेक लिया, सेकने के बाद उसे थोड़ा साइड कर लिया। यहाँ पर लहसुन और अदरक को भी मैं थोड़ा सेक रही हूँ बिना ऑयल के, हल्का सा सेक रही हूँ, ज़्यादा नहीं सेक पाऊंगी क्योंकि बिना ऑयल से फिर जलेगा। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। जैसे ही वो लहसुन जलने वाली थी, तो मैंने फटाफट टमाटर डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, तो अब जलना तो हो गया बंद इसका, अब इसे थोड़े पका लेते हैं। बिना ऑयल के क्या होता है, हमारी सब्जियां जलती हैं और शाइन नहीं रहती है, थोड़ी सी कलर बहुत अच्छा नहीं आ पाता है, इसलिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, वरना ऑयल में कोई अपना तो स्वाद होता नहीं है। चलिए अब हम इसमें मसाले डालने जाते हैं। जैसे दाल के लिए पूरा सा नमक डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए,
बहुत थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, एक पिंच मतलब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। दाल बहुत कम है इसलिए मैं मसाले भी कम ही डाल रही हूँ। अब ये धुली हुई और फूली हुई दाल डाल रही हूँ, ये छोटी सी एक कटोरी दाल है। अब इसमें हम पानी डालेंगे करीब 2 कटोरी के आसपास। जैसे ही इसमें उबाला आना शुरू हो जाए आप इसकी 2 विसल लगा लीजिए। अब चलते हैं राइस बनाने के लिए। राइस आज हम उबले बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में पानी रख दिया है। पानी जब हम उबला चावल बनाते हैं तो पानी का कोई नाप तोल नहीं होता है। आप इसे कुकर में बना सकते हो। कुकर में जब आप बनाओगे तो 1 कटोरी अगर चावल है तो 1 कटोरी पानी में आपका उबला राइस बन जाएगा बहुत ही बढ़िया 1 विसल में। और अगर आपको खुले में बनाना है तो आप अंदाजे से पानी डाल दीजिए। जैसे 1 कटोरी चावल है तो आप 3-4 कटोरी भी पानी डाल सकते हो। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे उबलने डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। जैसे इसमें उबाला आ जाए इसमें चावल डाल दीजिए। चावल जब थोड़ा सा कुक होना शुरू हो जाए तो मैंने क्या किया है, दाल को पीछे गैस पर रख दिया है, चावल को साइड से रख दिया है। अब चलते हैं हम आलू की सब्जी बनाने की, क्योंकि दाल चावल के साथ आज मैं आलू बनाने वाली हूँ। आलू मैं उबला ही ले रही हूँ, कच्चा नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर नॉन स्टिक पे मैंने गोल गोल आलू या कोई भी शेप के आलू आप रख दीजिए इस तरीके से, और उसे सेकने दीजिए। थोड़ी थोड़ी सिकावट आ जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक मैंने कटोरी ले लिया जिसमें दोनों टाइप की मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और मैं इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा मैंने जीरा पाउडर डाल दिया, सारे मसालों को मिक्स कर दिया। इसमें मैंने 1/4 कटोरी के आसपास पानी डाल दिया है। आलू जैसे ही आपके सिकने लग जाएं, थोड़ी सी कलर आ जाए, तब आप क्या करेंगे, ये जो पानी वाला जो मसाला मैंने बनाया है वो इसके ऊपर डाल दीजिए। क्योंकि ऐसे अगर मैं बिना तेल के मसाले डालूंगी ना तो आलू के ऊपर चिपकेंगे नहीं, और पानी से क्या होगा ना, चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से अब फटाफट से वो पानी क्या होता है, फटाफट से सिक भी जाता है और मसाले कच्चे कच्चे नहीं लगते। गार्निश कर दीजिए हरे धनिया की, मिर्ची की, ये च्वाइस आपकी है। नींबू डालना है नींबू भी डाल दीजिए। इस तरीके से आलू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, अब जो चावल हैं इसे स्लो गैस पर 1 मिनट ढक के पका लीजिए। तेल ऑयल हमें डालना नहीं है, घी डालना नहीं है। तो चावल भी ऑलमोस्ट पक ही गए हैं। अब दाल को एक बार चेक कर लेते हैं, दाल को एक बार घोट लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो ना थोड़ी घुटी हुई दाल पसंद करते हैं। दाल को मैंने घोट कर उसमें हरे पत्ते की धनिया डाल दी है और मैंने थोड़ा नींबू का रस डाल दिया, क्योंकि आज मैंने दाल में कैरी नहीं डाली थी। और आज मैंने सलाद में रखा है स्प्राउट्स, नमक और मसाला डालकर, और मैंने दही के बदले आज छाछ बना ली है। और हाँ, एक चीज़ और भी बहुत बढ़िया लगेगी आज आपको दाल चावल के साथ, जो कि मैंने आम रस बना लिया है। मैंने सोचा एक मीठा डिश भी होना चाहिए, तो आज मैंने आम रस के ऊपर थोड़ी कलरफुल चेरी डाल दी है। च्वाइस आपकी है, कितना खट्टा पसंद है, कितना मिर्ची का पसंद है खाना, कितना नमक पसंद है, ये सारी च्वाइस आपकी है। ये बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। एक थाली में हम चावल लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, कटोरी में दाल लगा लेते हैं। कौन कहता है ये दाल चावल 0% मतलब 0% ऑयल है, कोई ऑयल घी नहीं है। ये है आम का रस, ये है छाछ, और ये है स्प्राउट्स का सलाद। कैसी लगी ये थाली मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब में से आपको कौन सी थाली ज़्यादा अच्छी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइए। आज मैंने रोटी बनाई नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन चावल बनाती हूँ उस दिन रोटी बनाती ही नहीं हूँ। चलते हैं एक और थाली देखने। आज बनेगा आलू मखाना मटर, टमाटर और प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ। टमाटर के साथ भी बना सकते हो, प्याज को स्किप कर सकते हो। यहाँ मैंने मखाने लिए 1 बोल, आधी कटोरी मैंने मटर लिए, ये मेरे पास फ्रोजन थे, फ्रीजर में हमेशा रहते हैं। आप चाहें तो मटर को स्किप कर सकते हैं, आलू मखाना भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। अब हमें करना क्या होगा, ये प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च सबको कट कर लेते हैं। हमें सब्जियों को कट नहीं करना है, सिर्फ टमाटर को 2-2 पीसेस में कट करना है। ऊपर का पार्ट हटाने के बाद हरी मिर्च के डंठल हटाने हैं, अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस करने हैं, और प्याज को भी रफली चॉप करना है। और यहाँ पर प्रेशर कुकर में हम डाल रहे हैं पानी, पानी में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। एक तरीके से मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन डाल सकते थे, पर मैंने ऐड नहीं किया है।
दो तीन मिनट जब तक उबल जाए तब तक मैंने आलू को छील कर रखा था। अब मैं कट करके पानी में डाल देती हूँ। आलू के बहुत छोटे पीसेस मैंने नहीं किए हैं। ये सब्जियाँ कुक हो गई हैं, जो भी हैं प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च, इनको निकाल लेती हूँ। ये जो टमाटर वाला पानी है इसे फेंकना नहीं है, ये हम सब्जी में आगे यूज़ करेंगे। टमाटर के छिलके को हटाकर सारी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया। चलिए, उसी कुकर में पानी हटा दिया था, वही कुकर में कोई ऑयल नहीं डाला, ये पेस्ट मैंने जो बनाई थी वो इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसे फिर से पकाएंगे, जो थोड़ा सा पानी है वो भी सूखने देंगे। अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम क्योंकि तीखी होती हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन मसालों के साथ इन सब को हमें भूनना है। अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए आलू और आलू के साथ इस भूनेंगे। जब काफ़ी हद तक आलू भुन जाए तब आपको इसमें डालना है मटर। अब टमाटर का पानी पूरा सूख चुका है, मटर के साथ भी आलू के साथ भी बहुत अच्छे से भुन गई है सब्जी, तब आप इसमें डाल दीजिए पानी। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना ही आप पानी इसमें डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि जो मखाना होता है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप मखाना नहीं डाल रहे सिर्फ आलू मटर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी कम डाल सकते हैं, पर क्योंकि मखाना पानी पीता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी में पानी ज़्यादा डाल दिया। अब मखाने को जो मैंने धो के रखा था वो इसके अंदर डाल देती हूँ और इसकी मैं विसिल लगाती हूँ। दो विसिल लगाने के बाद दो तीन मिनट स्लो गैस पर पका दूँगी। हरे धनिए को मैंने बारीक कट कर लिया है। जैसे ही सब्जी बनेगी अपन हरे धनिए की गार्निश करेंगे। ये देखिए, जब मैं प्रेशर कुकर खोल कर आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत परफेक्ट है और ये आलू भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। लग रही है कोई ये सब्जी 0% ऑयल में बहुत ही अमेजिंग लग रही है। अब इसके साथ रख दिया मैंने एक पापड़ जो कि सेक के रखा था। यहाँ पर मैंने दही बड़ा बनाया है ब्रेड का। दही बड़ा ब्रेड का कैसे बनाते हैं वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मिक्स मैंने स्प्राउट्स बनाया है जिसमें टमाटर खीरा और प्याज डाला है, नींबू डाला है, और आज जो रोटी बनाई है मैंने चावल की रोटी बनाई है जो कि बिना तेल की है। तो इस तरीके से आज की थाली बनकर तैयार हुई है। अब चलते हैं लास्ट डे, छठवें दिन की, वीक की आखिरी दिन की कौन सी हम थाली बनाने जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, आज मैंने राजमा भिगा के रखा है। राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। अब राजमा पानी समेत मैंने कुकर में डाल दिया। पहला इंग्रेडिएंट डाल दीजिए उसका स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। आज छोटी सी ट्रिक मेरी देख लीजिए, आज मैंने छोटे छोटे टमाटर को कट कर लिया है, प्याज को कट कर लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च को कट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि छोले में आप ग्राइंड करके डालिए। अभी टमाटर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ग्राइंड करके नहीं डाल रही हूँ तो कैसा लग रहा है, क्योंकि ग्राइंड करके डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसमें भी आप कायदे से ग्राइंड करके ही डालते, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ग्राइंड करके नहीं डालते हैं, छोटा करके डालते हैं तो टमाटर के पीसेस मुंह में आते हैं। और इसे हम दो विसिल लगाएंगे, 5-7 मिनट के लिए स्लो गैस पर पका देंगे जैसे हमने छोले पकाए थे। इसे हम निकाल कर चेक करते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जब हमने छोले में टमाटर को ग्राइंड करके डाला था तब कैसा लग रहा था, और इसमें जो है ना टमाटर बीच बीच में थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसीलिए आप इसमें भी कोशिश कीजिए वैसे ही ग्रेट करके या ग्राइंड करके ही बनाइए। हालांकि मैं छोटे छोटे टमाटर के जो छिलके हैं निकाल लेती हूँ, पर फिर भी मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि ग्राइंड करके डालिए। अब इसके लिए भी हमें वही मसाला बनाना है। 1/4 कटोरी पानी लेना है, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चने मसाले भी डाल दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर बहुत थोड़ी सी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा राजमा है ना चित्रा है राजमा, कलरफुल जो लाल राजमा है वो नहीं है। तो ये मसाले वाला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसे गैस पर थोड़ा और पकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक रख दी कढ़ाई जिसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है, और ऑयल न डालने के बाद मैंने इसमें आलू बॉईल करके कट करके छोटे छोटे डाल दिए, इसे अपने आप सिकने के लिए छोड़ दिया है। धीरे धीरे ये आलू कलर आता जाएगा, सिकता जाएगा, इसी तरीके से आप इसे सेकते जाइए। और राजमा भी बढ़िया उबल रहा है, मैंने गार्निश कर दिए हरे धनिए की।
अब इस आलूओं में मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और नींबू का रस डाल देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये आलू लगेंगे। अब आपको ये लगेगा कि कोई डायबिटिक मेंबर हो तो इतना आलू कैसे खाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन क्या होता है ना कि जो हम भिंडी वगैरह बिना ऑयल के बिल्कुल नहीं बना सकते, उसे स्टीम्ड बना सकते हैं। पर इस तरीके से आप जैसे ट्राई कर सकते हो टमाटर में लौकी, टमाटर में तोरई, लेकिन उसमें टमाटर डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू सेक लिए, हरे धनिए की गार्निश कर दिए है। अब हम सर्व करते हैं थाली। यहाँ पर मैंने राजमा सर्व किया है, आलू किया है और यहाँ पर मैंने आज मल्टीग्रेन रोटियाँ रखी हैं जो कि बिना तेल की हैं, नरम रोटी हैं, और यहाँ पर मैंने खीरे के थोड़े से स्लाइस रख दिए हैं। 6 दिन हमारे परफेक्ट निकल चुके हैं। साथ में मैंने दही रख दी है और दही में मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो 7वां दिन है उस दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे थाली कैसे बनाई जाती है परफेक्ट, वो भी मैंने रेसिपी दी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ 7वें दिन। उनमें से जो चीज़ आप बना पाओ वो भी आप खा सकते हो। पिछले टाइम जब थालियाँ बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि पाव भाजी, डोसा कुछ भी कीजिए, और इसमें भी आप जो भी मन करे आप 7वें दिन जो आपको बेहद पसंदीदा हो वो बनाइए और थोड़े से ऑयल में बनाइए। एकदम से ऑयल वाला ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि 7 दिन से आप बिना ऑयल के खाना खा रहे हो, लास्ट डे आप बहुत कम ऑयल वाला खाना खा सकते हो। इस तरीके से 0% ऑयल में इस रेसिपीज़ को बनाना, कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप यदि कमेंट करके मुझे बताओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।